आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। देश भर की तर्ज पर रीवा में भी चल रहे नए कृषि कानून के विरोध की आग अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। रीवा में विगत 2 माह से धरने पर बैठे किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत सहित कई दिग्गज नेताओं का रीवा आगमन हो रहा है। रीवा की करहिया मंडी में 14 मार्च को आयोजित किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत सहित कई दिग्गज नेता शामिल होंगे, जो किसानों को संबोधित करेंगे। दरअसल किसानों के राष्ट्रीय नेताओं के आगमन की तैयारी को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक एडवोकेट शिव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि विरोधी काले कानूनों की वापसी एवं एमएसपी की लिखित गारंटी को लेकर विगत 3 माह से दिल्ली की 6 सीमाओं के साथ पूरे देश का किसान आंदोलन पर है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के रीवा संभाग मुख्यालय करहिया मंडी में विगत 2 माह से अधिक समय से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जिसकी आवाज अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है और उसी का नतीजा यह हुआ है कि संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत सहित अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी अमरा राम, किसान सभा पंजाब के महासचिव मेजर सिंह पुण्यवाल, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव राजपाल शर्मा एवं उपाध्यक्ष चौधरी बलराम सिंह लंबरदार, खेत मजदूर यूनियन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाषिनी अली एवं महासचिव विक्रम सिंह, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य अरविंद श्रीवास्तव, किसान नेता डॉक्टर सुनीला माधी ने रीवा संभाग मुख्यालय पर किसान महापंचायत में शिरकत करने का आमंत्रण स्वीकार किया है। बताया गया कि किसान नेता राकेश टिकैत सहित अन्य नेता 14 मार्च को रीवा पहुंचेंगे, जहां दोपहर 12 बजे से किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे और रात्रि विश्राम रीवा में करेंगे। इस दौरान किसानों से मुलाकात उपरांत 15 मार्च को सुबह सिहोरा जबलपुर के लिए रवाना होंगे। 14 मार्च को यहीं करहिया मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय नेता संयुक्त किसान मोर्चे के संयोजक चौधरी राकेश टिकैत जी और अखिल भारतीय किसान सभा के नेता अमरा राम जी और सरदार पुण्यवाल जी, श्रीवास्तव जी, बादल सरोज साहब और बलराम सिंह लंबरदार जी, राजपाल शर्मा जी, सुभाषिनी अली जी, ये सारे लीडर हमारे इस किसान महापंचायत में शामिल होने आ रहे हैं। और जिस तरह से हम लोगों ने और यहाँ के किसानों ने, विंध्य के किसानों ने साथ दिया इस लड़ाई में, उसका परिणाम है कि ये आवाज़ दिल्ली तक पहुंची और हमारे आमंत्रण को किसान नेताओं ने स्वीकार किया। इसी की तैयारी के संबंध में हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया है और हम लोगों की जो तैयारी है तो रीवा संभाग, रीवा जिले से लेकर के मध्य प्रदेश के कोने कोने से और जो बॉर्डर का एरिया उत्तर प्रदेश का, यहाँ से भी भारी तादाद में किसानों के पहुँचने की उम्मीद है। और हमारे सारे नेता यहाँ रात विश्राम करेंगे, किसानों से मिलेंगे और सुबह फिर माननीय टिकैत साहब जबलपुर सिहोरा के लिए यहाँ से रवाना होंगे। जी, कितने लोग की व्यवस्था है यहाँ पे, कितने लोग कहाँ-कहाँ से आए हैं अपने? यहाँ तो साहब लगभग 30,000 से ऊपर हम लोगों का अभी आंकड़ा पहुँचा है कि इससे ज़्यादा किसान यहाँ पहुँचेंगे, पर ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। जी, व्यवस्था क्या उस चीज की? व्यवस्था हम लोगों की पूरी है, यहीं पर सारे पंडाल रहेंगे, सारे किसानों को बैठने की व्यवस्था रहेगी, पानी की व्यवस्था रहेगी और सभी अच्छे से प्रोग्राम होगा, ये हम लोगों की तैयारी चल रही है। साहब सभाओं से तो ये आज़ादी का आंदोलन है और जैसी सभाएं देश में चल रही हैं तो बिल्कुल तख्ता पलट होगा, ये हम लोग घोषणा करते हैं इस मंच के माध्यम से। क्या